आज का टॉपिक है फॉर्मूला इंट्रोडक्शन। हम लोग फॉर्मूले लगाते हैं, फॉर्मूले के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स, उसको आज जानेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहले कि फॉर्मूला हर चीज में हमें हमें हमेशा फंक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती फॉर्मूले की, इन सब की। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला टैब है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले दिए हुए हैं। फाइनेंशियल हो गए, लॉजिकल हो गए, टेक्स्ट हो गए, डेट टाइम के हो गए, लुकअप प्रेफरेंसेस, मैथ एंड टिक्नोमेट्री, और भी फंक्शन जो है स्टैटिकल इंजीनियरिंग, क्यूब, इंफॉर्मेशन के, बाकी जो भी फंक्शन आप यूज करते हैं रिसेंटली यूज में आपके आ जाते हैं। ठीक है जी, बाकी फंक्शन इंसर्ट करने के लिए आप fx का बटन यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आपको सारी कैटेगरीज यहाँ पे दिख जाएंगी। दूसरा तरीका यह है, यहाँ पे fx का बटन है, इसको कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए हम लोग इक्वल टू यूज कर सकते हैं, प्लस यूज कर सकते हैं, या माइनस यूज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला जो हम डालेंगे वो इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो हमारे लिस्टेड नहीं होते पर फिर भी हम यूज कर पाते हैं उनको, सच एज मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, एक प्लस किया, यहाँ पे किया, आगे मैंने मल्टीप्लाई करना है, सिलेक्ट, इस तरह से मैं अपने फॉर्मूले बना सकता हूँ। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि फॉर्मूला जो है इक्वल टू से स्टार्ट किया जा सकता है, प्लस से स्टार्ट किया जा सकता है, माइनस से। तो इक्वल टू से तो आप डेफिनेटली फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप प्लस के साइन के साथ भी फॉर्मूला स्टार्ट कर सकते हैं, या आपकी फॉर्मूला लिस्ट खुल जाती है। तीसरा, माइनस के साइन के साथ भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, बट जब भी आपको फॉर्मूला स्टार्ट करना हो तो आप खाली इक्वल टू और प्लस का साइन यूज करेंगे, माइनस का नहीं करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं इसको माइनस के साइन के साथ स्टार्ट करता हूँ तो मेरा जो पहला रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो रिजल्ट आपको ठीक ठाक नहीं मिल पाते। अगर आप प्लस के साथ स्टार्ट करते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से इक्वल टू के साथ करेंगे तो भी आपको सही मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। जो मैंने कहा कि हम लोग फॉर्मूला जो है एड्रेसेस के थ्रू भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ से किसी भी सेल का रेफरेंस दे के बना सकते हैं, तो किसकी मदद से बनाते हैं हम? ऑपरेटर्स की मदद से। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स जो है हमारे पास वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है हमारे पास, मल्टीप्लाई का है, और किसका? पावर का है। चार ऑपरेटर आपको पता होंगे, पावर का शायद ही पता हो। ठीक है जी, अब देखिए इनका जैसे ऑपरेटर्स का यूज कहां पे करते हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ नंबर है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली ये ऑपरेटर्स दे सकते हैं। ये किसी भी दो रेफरेंसेस के बीच में आते हैं, इनको हम रेफरेंसेस बोलते हैं। ये जो C9, D9, A2, A1, ये जो भी होता है इनको रेफरेंसेस बोलते हैं या एड्रेस बोलते हैं। तो इनके बीच में आने वाला जो कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं इनको ऑपरेटर्स कहते हैं। तो हम अलग अलग ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं अपनी जैसा भी हमें रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से, डिवाइड करने के लिए। और पावर के लिए जो हम यूज करते हैं वो कैरेट का साइन होता है, शिफ्ट के साथ 6 दबाएंगे तो ये आपका होता है। तो ये कुछ अनयूजुअल नंबर है, मान लीजिए 12 की पावर में 3 कर देता हूं तो इसमें आपको ठीक ठाक रिजल्ट दिखा देगा। 2 की पावर 3 करते हैं 8 आता है। ठीक है जी, तो ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं कुछ लॉजिकल ऑपरेटर।
लॉजिकल ऑपरेटर जो रिजल्ट रिटर्न करते हैं हमें ट्रू फॉल्स में करते हैं, इनको कहते हैं बुलियन वैल्यूज, जिनका रिजल्ट आपको ट्रू फॉल्स में आता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम करते हैं सबसे ज्यादा इफ के फॉर्मूले में, हालांकि इफ का फॉर्मूला जरूरत नहीं है हर बार, आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा इक्वल टू का ऑपरेटर, देन होता है हमारे पास ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, अब देखिए ये कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ नंबर्स मैं रख देता हूं यहाँ पे, पहला देखते हैं इक्वल टू का। इसमें हम एक तरह से ना क्वेश्चन करते हैं, लॉजिकल होता है क्वेश्चन होते हैं तर्क संगत। पहला मैंने कहा कि क्या रेफरेंस C9 जो है वो इक्वल टू है 20 के, ऑपरेटर्स हमेशा दो रेफरेंसेस के बीच में आते हैं, तो यहां पे जो ये काम कर रहा है वो आपके स्टार्टिंग के लिए काम कर रहा है, यहां पे ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये आपको रिजल्ट देगा किसमें, ट्रू एंड फॉल्स में। अगर कंडीशन मीट करती है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो ये कंडीशन है मेरी, क्या C9 इक्वल टू है D9 के, येस और नो में अगर मैं आंसर देने के कहूं तो आएगा नो, मतलब फॉल्स, ट्रू फॉल्स में आंसर देता है, ट्रू और फॉल्स, तो ये बता रहा है फॉल्स। अगर आपका कंडीशन ट्रू होती है, मतलब 10 इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे ट्रू आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से हम यूज कर सकते हैं ग्रेटर देन का ऑपरेटर, ठीक है जी, C9 ग्रेटर देन D9 आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, चलिए बड़ा कर देते हैं, ट्रू आ गया, बराबर कर देते हैं, फॉल्स आ गया। ग्रेटर देन इक्वल टू वहां यूज होता है जहां पे आप चाहते हैं कि जब C9 या तो बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है जी। तो इस केस में अब ये ट्रू दिखा रहा है, बड़े में भी ट्रू दिखाएगा, बट अगर छोटा हो जाएगा तो फॉल्स दिखाएगा। इसी तरह से सेम आपका लेस देन ऑपरेटर है, क्या पूछ रहा है, लेस देन है C9 लेस देन है D9 से, तो आ रहा है ट्रू, यस है। लेस देन इक्वल टू भी उसी तरह से यूज होता है कि जब दोनों की बराबरी की बात हो, जब छोटा हो या उसके बराबर हो, ठीक है जी, बड़े होते ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है नॉट इक्वल टू, अब ये हम देख रहे हैं नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू डाल देते हैं, ये डबल ब्रैकेट्स का साइन होता है, मतलब ये दोनों ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है जी, ग्रेटर देन और लेस देन का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, क्या 11 जो है वो 10 के बराबर नहीं है, तो आंसर अगर हमें ट्रू फॉल्स में देने का बोला जाए तो हम बोलेंगे ट्रू, ठीक है जी। तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जिसको हम इफ फॉर्मूला के अंदर भी यूज करते हैं, मैक्सिमम इसको यूज करते हैं, ठीक है जी। इनके अलावा एक ऑपरेटर आपके पास होता है टेक्स्ट के लिए, कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ठीक है जी, ये होता है हमारा एंड का साइन। ये क्या करता है, दो टेक्स्ट को कंबाइंड करने के काम आता है, जैसे मैंने यहां पे एक नाम लिखा, यहां पे एक लिखा, यहां पे मैं क्या करता हूं, इक्वल टू किया मैंने, पहला रेफरेंस सिलेक्ट किया, एंड का ऑपरेटर लगाया, यहां पे दूसरा, तो उसने क्या किया, एक सेल में दोनों को कंबाइंड कर दिया, ठीक है जी। अब आप कहेंगे मुझे बीच में स्पेस देना है, तो जब भी आपको सेल रेफरेंस तो हम इस तरह से लेते हैं D8 C8 करके, पर बीच में अगर आपको कभी
अपने आप से टेक्स्ट डालना है, जैसे मान लीजिए मुझे कुमार डालना है, तो मैं किस में करूंगा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके वो टेक्स्ट लिख के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दूंगा, अगेन ये ऑपरेटर। ये क्या करेगा, D8 से वैल्यू उठा रहा है, इसको कंबाइंड कर रहा है इसके साथ, और देन कंबाइंड कर रहा है E8 के साथ, तो इसके अंदर क्या आ गया, फुल नेम आ गया। अब बात आती है स्पेस देने की, तो स्पेस भी हम इसी तरह से दे सकते हैं। अब मेरे पास, मैंने जब स्ट्रिंग दे दिया तो मैं यहाँ भी स्पेस दे सकता हूँ, दोनों के आगे पीछे स्पेस दे दिया तो ऐसे हो गया। मान लीजिए कुछ ऐड नहीं करना है, मैंने खाली स्पेस ही देना है, तो मैं डबल क्वेट्स के अंदर सिंगल स्पेस डाल सकता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ कंकेटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू। ये ऑपरेटर्स हैं, ये विदाउट फॉर्मूले आपके वर्क करते हैं, कोई भी लिस्टेड फॉर्मूला नहीं है इसके पास। अब चलते हैं हम अपने फॉर्मूला स्ट्रक्चर पे, तो बात करते हैं सबसे पहले लॉजिकल फॉर्मूले की। यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मूले हैं इफ, इफ एरर, नॉट और, ट्रू फॉल्स, ये सब क्या है। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आता है इफ का फॉर्मूला। अब जैसे इक्वल टू दबाएंगे, आई टाइप करेंगे, वैसे ही आई से रिलेटेड फॉर्मूले आपके सामने खुल जाएंगे। आप कीबोर्ड से इनका नेविगेशन कर सकते हैं ऊपर नीचे, जो भी फॉर्मूला आपने लगाना है। मान लीजिए आधा ही टाइप किया है आपका, वहां पे फोकस है, आप टैब प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, आपका ब्रैकेट खोलने तक ये अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं दिखा रहा था इफ का फॉर्मूला, इफ सिलेक्टेड है, देन टैब प्रेस किया मैंने, ये फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसके पार्ट होते हैं कुछ इस फॉर्मूले के। ये कह रहा है कि पहला है लॉजिकल टेस्ट, देन यहाँ पे कॉमा है, देन वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है जी। ये फॉर्मूले का स्ट्रक्चर है आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो वही काम जो मैंने लॉजिकल फॉर्मूले के, लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू किया था, मैं इफ के फॉर्मूले के थ्रू करता हूँ, ठीक है जी। लॉजिकल टेस्ट में हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर यूज होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या 10 इक्वल टू है 20 के, ठीक है, 10 इक्वल टू 20। तो देखिए लॉजिकल टेस्ट इसमें क्या बोलता है, ये जो है इसकी कैलकुलेशन जो है आपको रिजल्ट देगी ट्रू और फॉल्स में, ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगी। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स के बेस पे हम दो वैल्यूज देंगे, अगर यहाँ ट्रू आता है तो क्या दिखा है, फॉल्स आता है तो क्या दिखा है। तो मैं कॉमा लगाता हूँ, अब मेरा वैल्यू इफ ट्रू वाला हाईलाइटेड हो गया सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे मैंने देना है अगर ट्रू हो तो मैंने लिखवाना है सिंपल ग्रेटर, नहीं इक्वल, ठीक है जी। अगर फॉल्स हो जाए, फॉल्स हुआ, कॉमा लगाते ही फॉल्स का वो हो गया, यहाँ पे मैंने करना है नॉट इक्वल, ठीक है जी, ब्रैकेट बंद किया, ये फॉर्मूला मेरा कंप्लीट है, ठीक है जी। अगर ये इक्वल टू है तो इक्वल दिखाएगा, बाकी कोई भी वैल्यूज के लिए नॉट इक्वल दिखाएगा। आपके जो नीचे स्क्रीन टिप आ रही होती है, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कई बार आप इतना बड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं इसके अंदर, इफ और भी मतलब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पढ़ना भारी पड़ जाता है। तो आप स्क्रीन टिप का सहारा ले सकते हैं कि लॉजिकल टेस्ट कौन सा था, वैल्यू इफ ट्रू में क्या वैल्यू है, वैल्यू इफ फॉल्स में क्या वैल्यू है। आप इसकी कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं बीच में। मान लीजिए मैं लॉजिकल टेस्ट पे जाता हूँ और कीबोर्ड से क्या दबाऊंगा, F9, मैं चाहता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आया, मैं चेक करना चाहता हूँ, कैलकुलेशन चेक करना चाहता हूँ, मैं क्या दबाऊंगा अपने कीबोर्ड से, F9, तो मुझे ये दिखा रहा है फॉल्स। तो यहाँ के कैलकुलेशन जो होनी थी वो मेरे सामने हो गई। अगर मैं इसको एंटर मार के आ जाता हूँ बाहर तो क्या होता है, इसमें जो मैंने कंडीशन लगाई थी वो मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब अगर मैं इसमें चेंजेस करता हूँ तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो ध्यान रहे जब भी आप इस तरह की कोई भी कैलकुलेशन खाली चेक करें, एस्केप के बटन से बाहर आए ना कि एंटर से, ठीक है जी। हम चेक करते हैं ग्रेटर देन, ठीक है जी। तो इस तरह से इफ का फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें ट्रू फॉल्स के ऊपर कुछ कस्टम वैल्यूज लिखवानी होती है, जनरेट करवानी होती है, ठीक है जी।
अब बात करते हैं और के फॉर्मूला की। अब और का फॉर्मूला मान लीजिए एक केस है आपके पास कि कुछ स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले देखते हैं एंड का फॉर्मूला और इसके बाद में देखेंगे एंड का फॉर्मूला। तो आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप एक इंटरव्यूअर हैं जिन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करा है और 3 राउंड होते हैं वहां, ठीक है जी। अब यहां 3 राउंड है, जो भी इस राउंड में पास होगा वहां यस नो करके दे देंगे हम, ठीक है। पास है तो यस, नहीं पास है तो नो। कोई पूरे ही फेल हो गए, यस नो करके हमने फीड कर दिया इसके अंदर। अब मेरी कंडीशन क्या कहती है कि मैं चाहता हूं कि जो 3ों राउंड में पास हुआ है वो सिलेक्टेड आ जाए और बाकी सारे रिजेक्टेड आ जाए, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें इफ का फॉर्मूला लगाएंगे तो खिचड़ी पक जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला यूज करेंगे एंड का, ठीक है जी। एंड में वाई लेंगे। पहली कंडीशन क्या है, क्या ये इक्वल टू वाई है, ठीक है जी। देन इसमें दूसरी कंडीशन देंगे, टेक्स्ट जब भी लिखें उसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिखें, एंड कॉमा लगा के सेकंड कंडीशन है, क्या C11 इक्वल टू वाई है। फिर तीसरी कंडीशन, क्या D11 इक्वल टू वाई है, ठीक है जी। ये ले लिया हमने, इसको ड्रैग कर देता हूं। तो एंड का फॉर्मूला क्या करता है, जब आपकी 3ों कंडीशन जो है ट्रू रिटर्न करेंगी तब एंड जो है ऊपर ट्रू पास करेगा। अब यहां देखिए कैलकुलेशन चेक करते हैं हम, यहां ये ट्रू दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है, ये ट्रू दे रहा है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है जी। सबसे लास्ट वाली कंडीशन देखते हैं, यहां आपने सिलेक्ट किया, F9 प्रेस किया, यहां पे देखा यहां ट्रू, तीसरे में देखा यहां ट्रू। जब 3ों में ट्रू है तब एंड आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो एंड की फंक्शनैलिटी में कोई प्रॉब्लम, तो हमने देख लिया हमारा ट्रू फॉल्स का जुगाड़ तो हो गया और हमारी कंडीशन मीट कर रही है कि 3ों राउंड में जिसका यस है वो सिलेक्टेड दिखाना चाहिए। तो एक तरीका ये है कि हम इसके बाहर इफ का फॉर्मूला लगा लें और इस पूरे को लॉजिकल कंडीशन में ले लें, या फिर हम बाहर भी लगा सकते हैं। इफ का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया, देन मैंने क्या किया, ये सिलेक्ट किया, ठीक है जी। अब लॉजिकल टेस्ट में ट्रू ट्रू फॉल्स चाहिए होता है और ट्रू फॉल्स मैंने यहां से उठवा दिया इधर, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या बचा, वैल्यू इफ ट्रू है एंड वैल्यू इफ फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या आएगा, सिलेक्टेड, और फॉल्स का मतलब क्या आएगा, रिजेक्टेड, ठीक है जी। इसको मैं ड्रैग करता हूं, ये आपके सामने रिजल्ट है, जो पास हुआ है वो आपका सिलेक्टेड आ गया। अगर इनमें से बाई चांस कोई पास हो जाता है तो ये फॉर्मूला रिजल्ट बदल लेगा, ठीक है जी। अब ये हो गया थोड़ा सा बड़ा फॉर्म, 2 सेल में लगा है, मैं चाहता हूं कि यहीं पे रिजल्ट शो करे, एक ही में लगाना है, तो फॉर्मूला को हमेशा तोड़ के लगाना बेटर रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे तोड़ के लगा दिया इस फॉर्मूले को, एंड यहाँ कर दिया, इफ का यहाँ कर दिया, तो मुझे ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं हुई, ठीक है जी। अब मैं क्या करना है, मैंने
यहाँ का फॉर्मूला ये इक्वल टू से पहले कॉपी करना है, और यहाँ पे जहाँ मैंने E11 यानी कि ये रेफरेंस जहाँ दिया है वहाँ मैंने पेस्ट करना है। यहाँ से किया मैंने कॉपी और यहाँ E11 की जगह किया पेस्ट, ठीक है जी। अब क्या है कि जो जो रेफरेंस इसमें यूज हुए हैं उसके आगे ऐसे ऐसे बॉर्डर है। अब इसका रेफरेंस अब मैंने यूज नहीं किया क्योंकि वो हटा के मैंने पूरा फॉर्मूला दे दिया, तो ये हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो भी ये रिजल्ट देगा, ठीक है जी। ड्रैग करूंगा आपका चलता फिरता रिजल्ट आपके सामने, इसको बेशक डिलीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है जी। अब सबसे बड़ी बात आती है फॉर्मूला मूवमेंट की। कई बार हम लोग गलती करते हैं इसमें, अगर आप इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला अनयूजुअल रिजल्ट देगा आपको, क्योंकि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन कहीं और दिखा रखा है। कॉपी पेस्ट में ये दिक्कत होती है। तो करना क्या है, अब मुझे मान लीजिए यहाँ लाना है तो मुझे क्या करना है, कट करके कंट्रोल एक्स दबा के तब पेस्ट करना है। उसमें क्या होता है जब हम कट पेस्ट करते हैं तो रेफरेंस हमारे हिलते नहीं है, सच एज मैं इसको कट करके कहीं भी पेस्ट करता हूँ तो ये क्या है कि ये रेफरेंसिंग सही ले रहा है, ये बॉर्डर्स अपनी जगह पे है, ठीक है जी। जब भी फॉर्मूला मूव करना हो आपको कट करके हमेशा पेस्ट करें, ठीक है जी, ताकि वो रेफरेंसिंग ना छोड़े अपने। देन बात करते हैं और के फॉर्मूले की, ठीक है जी। और के फॉर्मूले में भी एक तरह का सेम केस ले लेते हैं। पर इस बार हम क्या करते हैं कि कुछ ये जो कैंडिडेट्स हैं ये गए अपना बैंक अकाउंट खुलवाने, तो हमने कहा या तो आप वोटर आईडी दे दो या तो DL दे दो या पैन कार्ड दे दो। ये हमारी शर्त है कि इन तीनों में से आप कुछ भी ले आओगे तो वो चलेगा, ठीक है जी। एक भी ले आओगे तो चलेगा, ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं पर मिनिमम एक तो होना चाहिए। तो यहां पे हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो इनमें से किसी में भी यस आए तो यस दे, यानी कि इनमें से किसी में भी कंडीशन जो है ट्रू हो जाए तो ट्रू दे दे। मान लीजिए मैं इसको, चलिए इसको नहीं अलग से दिखा दे, और का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। यहाँ पे भी हम लॉजिकल कंडीशन कॉमा करके कितनी भी दे सकते हैं। मैंने क्या चेक कराया, क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई है, तो आप देखेंगे फॉल्स सिर्फ उसमें आया है जिसमें तीनों में नो है, बाकी एक जगह भी उसे यस मिला है तो इसने ट्रू दिखाया है। देख लेते हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। आप यहां से लॉजिकल इसको करता हूं मैं, ये ट्रू रिटर्न किया, लॉजिकल टू ने ट्रू रिटर्न किया, लॉजिकल थ्री ने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है जी। अब यहां तो तीनों का ट्रू था तो इसकी कैलकुलेशन गई ट्रू। यहां बात करते हैं, यहां पे पहले ने ट्रू रिटर्न किया, दूसरे ने फॉल्स, तीसरे ने फॉल्स, तो रिजल्ट क्या दे रहा है, ट्रू, ठीक है जी। कोई भी एक ट्रू हो जाएगी तो यहाँ ट्रू रिटर्न कराएगा। देन उसके बाद आपके पास आसान है, इफ का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, जिसमें आप खाली रेफरेंस दीजिए ट्रू फॉल्स के बेस पे, इन दोनों कैटेगरी से वैल्यू उठा लेगा। बस आपने क्या करना है, सिर्फ ओके करना है एंड नॉट ओके। ये मैंने टाइप करा दिया और ये, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूले को यहाँ इक्वल टू से पहले कॉपी करूँगा और जहाँ मैंने इसका रेफरेंस दिया है वहाँ पेस्ट कर दूंगा। अभी मेरे फॉर्मूले ने इसका रेफरेंस छोड़ दिया, अब मैंने क्या करना है, कट करके इसको इधर डाल देना है और ड्रैग कर देना है, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है अब मुझे,
ये हो गया आपका और का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, चलो बैंक अकाउंट तो खुल गया, कुछ और चीज पे बात करते हैं कि यहां मान लीजिए एंड और का इकट्ठा यूज आपको दिखाता हूं। मान लीजिए तीसरा एक और डॉक्यूमेंट है जहां हमें जरूरत है दो आईडीज की। अब इसको ले लेते हैं हम, एक हमारा हो गया आईडी प्रूफ, एक हो गया हमारा एड्रेस प्रूफ। ठीक है जी, तो ये आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में, एड्रेस प्रूफ में हमारे क्या चलता है, राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है जी, अब मेरा ये कहना है कि इन दोनों में से कोई भी एक, मतलब एक आईडी प्रूफ में से एक होना चाहिए, एक एड्रेस प्रूफ में से होना चाहिए, इन दोनों कैटेगरीज में से मुझे एक एक प्रूफ चाहिए, इन दोनों कैटेगरीज में से मुझे एक एक प्रूफ चाहिए। देखिए कंडीशन कैसी बनेगी इसमें, इस कंडीशन को तोड़ के थोड़ा सा लगाते हैं, जैसे कि हमने और का लगाया था फॉर्मूला, तो यहां पे पहले और लगा देते हैं और का फॉर्मूला, क्योंकि दोनों में से एक चॉइस है, वोटर आईडी डीएल में से कोई भी एक चलेगा। मैं क्या चेक करूंगा, एक क्या ये इक्वल टू वाई है, क्या ये इक्वल टू वाई है, ये लग गया, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी जगह इन दोनों में से चॉइस है मेरे पास, तो यहां मैं एक और का लगा रहा हूं, क्या ये इक्वल टू वाई है और क्या ये इक्वल टू वाई है। ठीक है जी, दोनों जगह। अब इन दोनों कैटेगरी में मेरी कंपल्शन है कि दोनों में यस आना ही चाहिए, मतलब ये और का फॉर्मूला जो है दोनों में यस रिटर्न करे, तो क्या करूंगा मैं, एक एंड का फॉर्मूला लगाऊंगा। यहां एंड के फॉर्मूले से लॉजिकल टेस्ट जो है ट्रू फॉल्स पे चलता है, तो ट्रू फॉल्स आप यहां से दोनों कंडीशन से उठा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन इसने उठा ली, फॉर्मूला ड्रैग कर देता हूं। अब देखेंगे, मान लीजिए इसमें से किसी में एक आ जाता है मेरे पास, इनमें से कुछ नहीं है तो लास्ट का आंसर फॉल्स है, और इन दोनों में से किसी में भी यस आ जाता है तो लास्ट का ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये एंड का फॉर्मूला हो गया। देन मैंने क्या करना है, एक इफ का फॉर्मूला लगाना है और भाई इसके बेस पे ओके नॉट ओके कर देना है, ओके एंड नॉट ओके। ठीक है जी, अब ये फॉर्मूला मैंने तोड़ के लगाया है, अगर मैं वैसे लगाने की कोशिश करूं तो एक बार में शायद मैं भी ना लगा पाऊं, पर आप इस तरह से जब फॉर्मूले को तोड़ के लगाएंगे, लॉजिक को अपने तोड़ लें, तो आप आसानी से लगा पाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको अब हमने कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशन को हम पहले कहां से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से इसका रेफरेंस, ये दोनों और फॉर्मूले ठीक लगे हुए हैं, हमें कहाँ कंबाइन करने हैं, यहाँ पे। ठीक है जी, F27 और G27 जहाँ लिखा हुआ है लॉजिकल वन और लॉजिकल टू में, तो F27 कौन सा, ये है मेरा, इक्वल टू से पहले कॉपी करूंगा, कहाँ रख दूंगा, एंड में जहाँ F27 है यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, देन अगला G27 है तो इसको मैं इक्वल टू से पहले कॉपी करूंगा और यहाँ G27 में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है जी, अब दोनों का रेफरेंस छूट गया, इन्हीं का ही रेफरेंस ले रखा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस पूरे फॉर्मूले को यहां से कॉपी करूंगा इक्वल टू से पहले तक, और यहां से इफ के H27 में डाल दूंगा जहां इसका ये रेफरेंस है। यहां मैंने जैसे ही फॉर्मूला डाला, इसका रेफरेंस छूट गया,
ये मेरा पूरा एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको कट किया, पेस्ट किया यहाँ और ड्रैग कर दिया, बाकी किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आपका ये लंबा सा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले बनाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है जो मैंने आपको दिखाया है। जितने भी लंबे चौड़े फॉर्मूले बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं, लॉजिक को तोड़ के। जितना बड़ा फॉर्मूला लगाना चाहें उतना बड़ा लगा दीजिए लॉजिक को तोड़ के। धीरे धीरे आपका मतलब जैसे जैसे लॉजिक क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे आप एक वन शॉट में भी लगाने के काबिल हो जाएंगे। अभी इसमें क्या है, देखिए नेविगेशन का जो मैंने सिस्टम बताया था कि आपने जहाँ क्लिक किया, अब ये बता रहा है कि इफ का सेक्शन चल रहा है, लॉजिकल टेस्ट इतना बड़ा है, वैल्यू इफ ट्रू ये है, वैल्यू इफ फॉल्स ये है। अब मुझे मान लीजिए एंड के अंदर देखना है क्या है, लॉजिकल वन में ये कंडीशन हो गई, लॉजिकल टू में ये कंडीशन हो गई, और के अंदर गए और में, यहाँ पे ये स्क्रीन टिप भी चेंज हो रही है, लॉजिकल वन लॉजिकल टू और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला समझने के लिए ये आपको आसानी रहेगी। दूसरा तरीका मैंने बताया कि F9 करके हम कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ देखते हैं ओके कैसे आया। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये हमने इसका कैलकुलेशन देखी, इसका ट्रू निकला, लॉजिकल टू का ट्रू निकला है, तो और क्या करेगा, वाई रिटर्न करेगा। देन इस और पे आते हैं, इसका क्या था, ये भी ट्रू निकला, ये भी ट्रू निकला। देन क्या करते हैं, एंड के ऊपर आते हैं, लॉजिकल वन इसका ट्रू कर दिया इसने, हम लोग ये सोच रहे हैं लॉजिकल टू में ट्रू कर दिया। देन एंड के फॉर्मूले ने क्या किया, दोनों में ट्रू मिल गया तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। देन इफ के फॉर्मूले ने यहाँ पे ट्रू है तो ओके रिटर्न कर दिया ये। ठीक है जी, इस तरह से आपकी कैलकुलेशन चली। बाकी अगर ये F9 वाला आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है या थोड़ा मेहनत का काम लग रहा है, तो फॉर्मूला में जाके आपके पास है इवेल्युएट फॉर्मूला, ये ऑप्शन। फॉर्मूला जहां लगा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला है। जैसे जैसे आप इवेल्युएट करते जाएंगे क्या क्या कैलकुलेशन हुई ये आपको ऊपर दिखाता चला जाएगा, इसके अंदर कैसे कैसे स्टेप बने और उसने क्या रिजल्ट दिया। ठीक है जी, तो इस तरह इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। तो इसमें हमने किया एंड का फॉर्मूला, और का फॉर्मूला, और एंड और को इकट्ठे कंबाइंड भी कर दिया। ठीक है जी, तो इसमें हमने देखा कि काफी हमारे फॉर्मूले कैसे वर्क कर रहे हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इफ के। मान लीजिए आपके पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है जी, अब उन्होंने कुछ सेल्स की है, कुछ सेल्स की है इन्होंने। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या कंडीशन है कि जिन्होंने 2000 तक सेल की है उनको कोई इंसेंटिव नहीं देंगे। 2001 से लेकर 5000 तक हम 500 रुपये देंगे, 5001 से लेकर 7000 तक हम 1000 रुपये देंगे। ठीक है जी, और 7001 से
मतलब जितना भी 7,000, 7,000 से बड़े है, ग्रेटर देन 7,000 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 7,000 हम देंगे 2,000 रुपये। ठीक है जी, यहाँ हमें सामने इंसेंटिव लगाने हैं। तो देखिए इफ के फॉर्मूले में कैसे फिट करेंगे इसको। पहली कंडीशन है हमारी चेक करनी, क्या 2,000 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू ग्रेटर देन 2,000। अगर ग्रेटर देन 2,000 है और यहां पे एक कंडीशन और आ रही है कि लेस देन 5,000 होना चाहिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा एंड का। पहली कंडीशन 2,000 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन 5,000 एक से छोटा हो। क्या ये छोटा है 5,000 एक से। ठीक है जी, उस केस में क्या देना है इसको, 500 रुपये। अदरवाइज यहां फिलहाल के लिए 0 कर देते हैं। ठीक है जी, दूसरी कंडीशन लगाएंगे इफ क्या ये जो है बड़ा है 5,000 से और छोटा है 7,000 एक से। ठीक है जी, ये इसको डाल देंगे एंड के भीतर, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो तब हमारा ये चले। तो यहाँ आएगा 1,000 रुपये, फिलहाल के लिए यहाँ भी 0 डाल देते हैं। ठीक है जी, और इस कंडीशन के अलावा जो भी होगा वो आपका 7,000 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं 2,000 रुपये। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ दो कंडीशन बनाई। अगर इसके 0 वाले पार्ट में क्या करना है, यहाँ से ये 2,000 5,000 के बीच में नहीं है तो फॉल्स में जाएगा, सीधी सी बात है फॉल्स में जाएगा। फॉल्स में मैं ये कंडीशन और लगा देता हूँ, ये एफ का फॉर्मूला कॉपी करके पूरा यहाँ ये फॉल्स वाले पार्ट में लगा देता हूँ। ठीक है जी, हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने। एक दिक्कत आ रही है इसमें कि हमारा जो ये लास्ट वाली चेकिंग है ये 2,000 दे दे रहा है, जबकि यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये एक कंडीशन और चाहिए इसमें जहां हमने 2,000 फिट किया है। इसमें क्या करेंगे हम, इफ ये जो है 2,000 से, 2,001 से छोटा है, ये ट्रू होती है तो क्या देना है 0। अदरवाइज जो बचा हुआ है हमारा वो 2,000 दे देते हैं। ठीक है जी, यहाँ जो 7,000 वाला, तो इस को कॉपी करके जहां मेरा लास्ट का मैंने लगाया था ये 2,000, यहाँ पे दे देता हूँ। इनको डिलीट कर देता हूँ, तो आपका ये एक फॉर्मूला बन गया इसके लिए, पूरा
आड़ी टेढ़ी कैलकुलेशन आप जितनी भी है वो एंड इफ के मदद से कर सकते हैं। बेटर है इसकी ढंग से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें स्पेशलाइजेशन करने में आपको टाइम लगेगा। इसी कंडीशन को हम और भी ज्यादा तोड़ मरोड़ सकते हैं कि मान लीजिए सेकंड कंडीशन में आता है कि ये 1000 तो मिले ही, 500 भी मिले, वो तो वैसे भी हम अपने आप मैनुअल कैलकुलेट करके दे सकते हैं कि 1000 का 1500 करके इन्हीं में ही फेर बदल करके दे सकते हैं। बेसिकली यही पैटर्न रहेगा आपका हर कंडीशन के लिए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत है, आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मटेरियल है, तो बाकी कल मिलते हैं हम लोग। ठीक है जी, या किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। हेलो, हाँ जी प्रवीण जी, जैसे मैंने यहाँ यहाँ पे कुछ टाइप किया है और यहाँ लगा दिया एक फॉर्मूला। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ की वैल्यू 500 आना चाहिए, अब प्लस माइनस क्या होना है मुझे नहीं पता, कोई फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे दूंगा मैं गोल सिक। ठीक है जी, सेट सेल, सेट सेल में वो सेल आएगी जो चेंज होके आएगी, टू वैल्यू मैंने कहा 500 आ जाए, बाय चेंजिंग सेल कोई एक सेल देंगे जिसको आप चेंज करना चाहते हैं इसको। यहाँ तो मैंने बहुत आसान फॉर्मूला लगाया, पर कॉम्प्लिकेटेड लगा हो तो इस तरह से चलेगा, तो ये अपने आप कैलकुलेट करके वैल्यू चेंज कर देगा उस जगह की, और यहाँ रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है जी, बाकी आपको बताऊंगा, बट इफ एनालिसिस में ये तो बहुत छोटी चीज है, इसमें ये सिनारियो मैनेजर है, ये अच्छी खासी है इसके लिए। ठीक है जी, हाँ जी जी हाँ जी, कुछ बोल रही थी आप? नहीं ठीक है। कोई क्वेश्चन है? ठीक है जी, आज की ऑफ करें फिर। ठीक है, कल तो नहीं हुआ था ना क्लास? नहीं, कल मैं कहीं गया हुआ था तो मैं कल की हुई नहीं थी। अच्छा ठीक है जी, और ठीक प्रीवियस है, रिकॉर्डिंग मैं अभी भेज रहा हूँ, मैंने ख्याल से प्रीवियस वाली भी नहीं भेजी थी मैंने, वो भी मैं अभी भेज देता हाँ हूँ, इसकी आपको कल मिल जाएगी।